no, 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 no. अभी मैं सॉल्ट लेक सिटी यूटा स्टेट है, जो अमेरिका में रहते हैं वो समझते हैं मैं किस जगह पे हूँ। बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो ये कह सकता हूँ कि अमेरिका में हूँ, ठीक है। और ये मैसेज है फियाज भाई आपके लिए, क्योंकि आपने वीडियो का रिप्लाई दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपने मुझे भी अंदर लपेट दिया अपने उस चक्कर में, तो मुझे फिर ज़रूरी हो गया कि मेरा तो ख्याल था कि मैं एक ही वीडियो बनाऊँगा आपके लिए तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपने वो जब लपेटा मुझे तो भाई फिर मुझे भी रिप्लाई देना आता है, ठीक है ना। हम कोई चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे कि आप जो मर्जी बोलते रहें और पर्सनल किसी के आप उस पर आ जाएं, तो फिर तो जवाब देना भी राइट बनता है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आपने जो भी बंदे को हाईलाइट किया है, जो आपका नेबर है, जो भी वट एवर आपके बारे में वीडियोज बना रहा है या जो भी करता है, ठीक है भाई, आप उनका नाम लो। आप जब उनको हाईलाइट नहीं कर रहे, जब किसी को भी हाईलाइट कर रहे हो, तो फिर तो वे सारे ये समझेंगे ना कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो। आप उनके चैनल का नाम लिखो या उनका नाम क्रिएट करो, या अगर आप में ज्यादा दम है या तप्पड़ है तो भाई आप जाके उनके घर में जाके आप उनका सर खोलो, ठीक है ना। आपने आज एक जो बात की है ना, वो मुझे इतनी बैड फील हुई है कि आप ने दो तीन बातें हैं जिसपे मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ी है। आपने लिखा कि इसने मेरी वालदा के मतलब कोई गलत बात बोली थी, ठीक है भाई, अगर वालदा के मतलब गलत बात बोली तो आपका राइट बनता था आप उसके घर जाते, अगर आपको उसका घर पता था, आपका हमसाया था ना, तो आप जाते, आप उसको पूछते भाई ये क्या मसला है, क्यों मसला है, क्यों किया, तो फिर तो अब मैं आपको सलूट करता। अब आप दो बातों को ट्विस्ट कर रहे हो, दो बातों को मिक्सचर कर रहे हो। गुस्सा आपको मेरी वीडियो का जरूर होगा कि मैंने उसके चैनल पे क्यों फेंकी है, आपको बात कोई मिली नहीं तो आप इस पे आ गए वालदा पे, ठीक है। देखो यार मेरी बात सुनो, दुश्मन के भी हम दुश्मन के भी घर जाते हैं ना, उसकी वालदा को अपनी वालदा के रूप में देख अब वालदा के इक्वल देखते हैं, ठीक है, हम तो ये फिलहाल समझते हैं। उसने जो भी बात की, मैंने उसकी जो सारी वीडियोस देखी हैं, उसने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आपकी वालदा के मतलब कोई अब्यूज वर्ड नहीं बोला, या आप गलत बयानी कर रहे हो और आप टोटली आप मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहे हो। कहाँ उसने आपकी वालदा के मतलब गलत बात की है, मुझे भी जरा पता चले ना। हाँ ये बोला गया कि आप अपनी वालदा को वीडियो में लेके आते हो, खाना बनाते हो, तो इसमें कोई अब्यूज वर्ड यूज कर दिया उसने, गलत बात है, टोटली गलत बात है, इससे डिसएग्री करते हैं। और दूसरी बात आपने बोला कि अमेरिका में और जो यूके में जो इस तरह लोग बैठे हैं बड़े शऊर वाले हैं, मैं शुक्र है आपने बात तो सही कर ली है, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी वीडियो को बैठ के रिप्लाइयां करते रहे, आपको बैठ के अप्रिशिएट करे, लाइक करे, डिसलाइक करे। यहाँ की लाइफ स्टाइल ना, टाइम इज अ मनी, ठीक है ना, जो पैसा जिसके पास है वो उसका टाइम होता है वो वहां के लिए है, यहाँ के लिए है, मनी इज अ जो है ना, टाइम इज अ मनी, एक एक घंटा यहाँ पे टाइम के पैसे के साथ हमारा जुड़ा होता है, जितना काम करते हैं उतना हमें मिलता है। आजकल ठीक है कोरोना की वजह से काम शट डाउन हुए हैं, स्लो हुए हैं, ले ऑफ मिली हुई है, गवर्नमेंट से हमें एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिल रही है, सब पता है हमें, लेकिन हम लोग तो अपने काम कर रहे हैं और लेकिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी भी कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि हम सेफ्टी भी नहीं कर रहे, हाथ हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो भी हमारे पास होते हैं हमने सब रखे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा आपने मुझे बोला कि ये वो बंदा लगता नहीं अमेरिका का, भाई मैं आपको अमेरिका की पिक्चर्स अगर कहो तो मैं यूट्यूब पे फेंक देता हूँ, ठीक है ना, मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा, तो आप मुझसे बात कर लेना, फिर आप पता कर लेना ये कहाँ से मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात ना बोलो, ये बात आपने गलत बोली है, बगैर तहकीक के आप बात ना क्या करो, प्लीज़ बगैर तहकीक के, बगैर एविडेंस के किसी पे तोहमत लगाना, किसी पे अल्ज़ाम तराशी करना, ऊपर से आप बहुत शुरू करते हो अल्लाह के नाम से, तो ये अल्लाह के बाकी अहकामात को भी सुन लिया करो ना, तो बाकी चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर रहे। मुझे आप एक सेंस बता दो कि आप पिछले दिनों, मैंने तो वीडियो में वो बात करना भूल गया था, कि आप जब भाई चैलेंज लगाते हो खानों का, तो यार कहाँ इस्लाम में लिखा है खानों को तेज तेज खाओ, कोई पीछे पुलिस लगी हुई है, क्या लगा हुआ है पीछे, आप जो इस तरह खाने पे शुरू हो जाते हो। पिछले दिनों वो अली भाई ने भी इस तरह किया था, लेकिन उनको किसी ने समझा दिया होगा भाई ये खाने को आराम से खाना चाहिए, खाने की ये इंसल्ट मत करो, इसी खाने के लिए रोजी हम लोग कमाते हैं, इसी के लिए आप भी कमाते हो, तो खाने को आराम से खाओ, कोई इतनी जल्दी नहीं है, किसी और चीज़ पे चैलेंज लगा लो,
लूडो पे लगा लो, कोई कैरम खेल लो, कुछ लगा लो, अगर कोई इंडोर कर गेम्स वहां पे ज्यादा नहीं है कुछ ऐसी खेल लो, लेकिन इस तरह की चीजें ना करो, ठीक है ना। मैं आपके वो कमेंट्स वीडियो के पढ़ रहा था कि आप ठीक है, आपकी वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को फनी लगती हैं, वो इतना डीप नहीं देखते। मैं आपको एक बात बताऊं फियाज, वो इतना डीप नहीं देखते। यहाँ के लोगों का मूड अपसेट होता है ना, मेरा घर में मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ फियाज भाई को चलो देख लो, वो फनी फूनी के चक्कर में हम देख लेते हैं। और दूसरा जो आपने उसकी पर्सनैलिटी पे बात की है ना कि वो ऐसा है, शक्ल उसकी ऐसी है, गलत बात है। इस तरह तो आपकी अगर जातियात पे, आपकी शक्ल पे कोई बंदा कमेंट शुरू कर दे तो बहुत कुछ कहने लगेंगे, फिर आप छुपते फिरोगे, फिर आप हकीमों के पास जाओगे। तो बेहतर है भाई किसी के बारे में गलत बात ना करना, किसी की जातियात पे मत करना। आपको प्रोफेशनल जेलस फीलिंग है उस पर आप क्रिटिसाइज करो, 100 दफा नहीं 1000 दफा करो। मेरे पे अगर आप बात, आपने जिस तरह मेरे पे बात की है, वो बंदा तो लगता नहीं है अमेरिका का। मैं आपको लैया चौक, आजम, विहाड़ी, हासिलपुर सारे रस्ते आपको मैं गिनवा दूंगा, ठीक है ना। जितना आप भी शायद उस एरिया को नहीं जानते, मैं आपके एरिया को जानता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा प्लीज आप इस पे ना करें कि आप ही हैं सबसे वहां पे 30 मार्खा बन गए हैं, तो बाकी सारे लल्लू पंजू बैठे हुए हैं, उनको किसी को पता नहीं है, बेचारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो प्लीज भाई ऐसे ना करें, आप प्लीज अपने टॉपिक को चेंज करें, अच्छा टॉपिक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे हम, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी लोगों की वीडियोस दिखा दूंगा जिनके 90-90 लाख सब्सक्राइबर हैं, और कभी भी उन्होंने बोला कि आप मेरे, वो जिस तरह बंदा किसी से कोई उधार ले रहा होता है ना सब्सक्राइबर के चक्कर में, वो वाला चक्कर बन जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हाथ इस तरह होना चाहिए, कुछ दे रहे हो आप, नॉलेज दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसे ना हो जाए आपका हाथ कुछ आप ले रहे हो कि भाई खुदा का नाम है सब्सक्राइबर दे दो, प्लीज मुझे आप सब्सक्राइबर दे दो, मैं, मेरे सांस नहीं आ जाएगा आज, मेरा खाना हजम नहीं होगा। तो प्लीज ऐसे मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पढ़े लिखे लड़के लगते हो, मुझे तो पता नहीं यार चौक आजम में कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। आपकी वीडियोस अमेरिका में देख रहे हैं, मुझे पता है, दे आर ऑल वॉचिंग जस्ट फॉर द फन। आप छोटे होते थे ना, पता नहीं पाकिस्तान में, तो अभी पता नहीं, हम छोटे होते थे कार्टून चलते थे टॉम एंड जेरी के, ठीक है ना। तो टॉम एंड जेरी के कार्टून समझ ले कि आज के दौर में अब मैं क्या बोलूंगा तो फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। तो बेहतर है आप प्लीज थोड़ा सा चेंज करो इस टॉपिक को। आप कुछ फेस्टिवल दिखाओ, कोई आप हमें वो चौक आजम का डायनासोर दिखा देते हो, भाई ये देखो भाई डायनासोर इधर भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। मेरा भी चैनल आ रहा है, जरा चैनल को मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, आपको लिंक शेयर करूंगा, आप देखना उस चैनल की वर्कआउट देखना। आप तो ऐसे ही, वो एक दिन मुझे आपकी वो बात हंसी आई कि आपने एक दफा मोटरसाइकिल पे आप शहर जा रहे हो, तो आपने कहा जी मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। भाई क्या मोटरसाइकिल में बैठ के एडिटिंग कर रहे हो आप, सीधी सीधी वीडियो बना रहे हो, गाँव के मट्टी धूल दिखा रहे हो, रेतले इलाके में, ठीक है आप जहाँ रहते हो मुझे वो भी पता है एरिया, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मैं आपके बड़े क्लोज जो अराउंड से लोग जान पहचान है ना, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैं इसलिए कभी ऐसे नहीं बात करूंगा। मैं अचानक ऑल ऑफ सडन आपके घर में ही पहुंच जाऊंगा आपको मिलने के लिए, ठीक है ना। और एक चीज, एक जाते 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 आपने एक दफा, आपका एक फैसलाबाद से गेस्ट आया, याद है आपका, एक आपका फैन फॉलो आया था आपको मिलने के लिए, आपने उसको बिठाया, चाय शाय पिलाई वगैरह, वो आपके डायरेक्ट एक्सेस में नहीं था, आपके शहर में जो बंदा जानने वाला है उसके रेफर पे आया था, समझ गए मेरी बात। जरा ये पॉइंट को क्लियर रखा करो, ये दो बातों को मिक्स करके ऐसे बता देते हो कि जी मेरे मिलने आ रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी जंज आ रही पीछे से मिलने के लिए सब्सक्राइबर आपको, भाई ऐसे नहीं, मिलने के लिए कोई बंदा आता है आप मोस्ट वेलकम, चाय पानी जो आप खिदमत कर सकते हो आप कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है, कि इसमें आपको छुपाने की बात नहीं है। प्लीज मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ कि आपसे अच्छा काम आपके भाई कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि आपके भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट के काबिल हैं, अपनी हसीयत से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, अली भाई उससे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको पर्सनल, उनकी इंग्लिश लेवल ही मुझे पता है, वो उन्होंने गोरे को भी रिप्लाई किया था, तो मैं उनका इंग्लिश लेवल समझ गया होगा, वो बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, वो भी हमें पता है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनकी तारीफ नहीं की हरदा का, जो करने वाली है वो करते हैं हम लोग, जिसने नहीं करनी आप पकड़ के दुम्बे के पीछे कभी हमें भगवा देते हो, कभी वो कुकड़ी के पीछे भगवा देते हो कि भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर भगा रही है कुकड़ी, खुदाई कसम अगर काबू वो तो पता नहीं कैसे आ जाती है आप लोगों के,
ورنہ وہ تو پورے شہر کا آپ کو چکر لگوا دیتی. جس طرح آپ اس بےچارے غریب کے پیچھے بھاگا, اس کو پھر پکڑ کے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے مرغی ہے کھانے کی چیز ہے, لیکن کچھ لوگوں کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ وہ جس کو چھری پھیرتے, کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. میں ایسے ہی بتا رہا ہوں, حلال ہے لیکن کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, وہ اب وہ ان کی فیلنگز ہیں. بٹ اینی وے خوش رہو, انجوائے یور لائف, کرونا سے سیف رہو, اور جتنا بھی ہو سکے سر میکسیمم کہ آپ اپنی ویڈیوز کو ایک نیو روپ میں لے کے آؤ. آپ دوسرے شہروں میں وزٹ کرو, آپ یہیا جاؤ, وہاڑی جاؤ, حاصل پور جاؤ, آپ کے برابر میں جتنے مین ہیں وہاں پہ جا کے ویڈیو شوٹ کرو. کیا پرابلم ہے آپ کو ویڈیو شوٹ کرنے میں پرابلم ہے؟ خالی یہ سٹکیں لے کے کھیتوں میں تو نہ پھرتے رہو بھائی. کھیت کے ہم تو ایک ایک گندم کا جو ہے نا سٹا بھی گن لیا آپ نے. آپ پلیز تھوڑا سا چینج کرو اپنے آپ کو اور اچھی ویڈیوز لاؤ, اپریشیٹ کریں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے؟ چلو اینی وے اپنا خیال رکھنا, اور کوئی اگر غلط بات ہوگی پھر آئی ایم سو سوری, لیکن جو بات ریالٹی ہے وہ ریالٹی کو سننا بھی سیکھ لیا کرو بھائی. خالی آپ اپنی آکڑ میں نہ رہو, گردن میں سریا تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے, تو آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو تھوڑا سا آپ پوزیٹو کرو, کسی پہ کریٹیسائز اگر کوئی جینون کرتا ہے آپ کے کام پہ کرے گا, کام کی جینون کرے گا تو آپ کو سننی پڑے گی وہ, نہ کہ آپ اس کو آپ پرسنل لے لو. جی مجھے اس نے کیوں بولا, مجھے اس نے کیوں بولا, میں اتنا بڑا یوٹیوبر ہوں بھائی, میرے تو 50 لاکھ سبسکرائبر ہیں, تو بھائی مجھے اس نے بول کیسے دیا؟ ایک چھوٹا سا بندہ بھی آپ کی قسمت کو بدل دے گا سبسکرائبر, ایک چھوٹا سا ایک بڑا سا بڑا بھی آپ کو کوئی بندہ سبسکرائبر ہوگا نا, وہ آپ کی سارے یوٹیوب کی واٹ لگا دے گا, ٹھیک ہے؟ تو ہاں کوئی چیز اگر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو میرے سے آپ ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو, پوچھو کہ یار میں کیسے بناؤں, میں آپ کو آئیڈیا دے دوں گا. بہت سے لوگ میرے آئیڈیا دے دیں گے, میرے اراؤنڈنگ میں بہت سے ایسے ہیں انڈین پنجابی ہیں, پاکستان سے ہی آپ کو میں بہت سارے یہاں سے لنکس آپ کو دلوا دوں گا, تو آپ ان سے بات کرو, کچھ آپ چینج کرو. ایک چیز کو لے کے گھماتے نا کنویں میں, گھماتے ذرا موت کے کنویں میں آپ موٹر سائیکل تو نا گھما رہے ہو, تو تھوڑا سا اونچی سوچ کو رکھو. تو باقی اگر کوئی چیز اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ چیز میرے سے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کسی پہ الزام لگانا, کسی پہ بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر اس پہ تہمت لگانا بہت غلط بات ہے, ٹھیک ہے؟ بہت غلط بات ہے. تو باقی آپ خود سمجھدار ہو, اور جو بھی ہو سکے گا آپ کرو, ٹرائی کرو, ٹرائی کرو, ٹرائی ٹرائی ٹرائی, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کر دے گا, ٹھیک ہے؟ اوکے جی.